फैक्ट नंबर वन गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग नेगेटिव चीज को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और उनका ध्यान पॉजिटिव चीजों की तरफ कम ही जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज से करीबन 20 से 25 साल पहले हर्षद मेहता और केतन पारिक जैसे लोगों ने शेयर मार्केट में स्कैम किया तो लोगों ने यह मान लिया कि शेयर मार्केट में रिस्क बहुत है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारे इंडिया में राकेश झुंझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया और राधा कृष्णन दमानी जैसे लेजेंड भी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए हैं, क्योंकि ये लेजेंड्स जानते हैं कि सही तरीके से पैसा कैसे कमाया जाता है। और अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है और प्रॉफिट कमाना है तो पहले इसे समझिए, और इसके लिए आप मेरी बुक बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को अमेज़न से प्री ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको शेयर मार्केट के हर एक फंडामेंटल को बिल्कुल बेसिक भाषा में आसानी से समझाया गया है। और ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। फैक्ट नंबर टू। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। गाइस, एक आह उस वक्त निकली थी जब मशहूर सिंगर केके ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम में ये गाना गाया था, और एक आह आज निकली है जब केके हमें छोड़कर चले गए। जी हाँ गाइस, कृष्ण कुमार कुन्नाथ यानी कि केके की कोलकाता में एक प्रोग्राम के दौरान दिल का दौरा पड़ने की वजह से 53 साल की उम्र में ही मौत हो गई। और जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तब वो स्टेज पर अपना आखिरी गाना हम रहे आना रहे याद आएंगे ये पल ये गा रहे थे। अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, लेकिन सच्चाई ये है कि बॉलीवुड को इतने सारे हिट गाने देने वाले केके अब हमारे बीच नहीं है, पर उनकी वो आवाज जो लोगों के दिलों और उनकी रूह को छू जाती थी, वो उनके गानों के रूप में हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच जिंदा रहेंगे। लव यू केके, रेस्ट इन पीस। फैक्ट नंबर थ्री। गाइस, क्या आपको पता है कि नेटफ्लिक्स की शुरुआत 3,000 रुपए से हुई थी, और वो भी एक गलती से। लेकिन आज वही नेटफ्लिक्स करोड़ों रुपयों की कंपनी बन चुका है। लेकिन कैसे? दरअसल ये बात है साल 1990 की, जब नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स ने एक फिल्म की डीवीडी रेंट पर ली थी जिसे वो लौटाना भूल गए, और इसीलिए उन्हें काफी ज्यादा पेनल्टी फीस देनी पड़ी। लेकिन यहां से उन्हें एक आइडिया आया, और उन्होंने साल 1997 में अपने दोस्त के साथ मिलकर ऑनलाइन डीवीडी रेंटल सर्विस शुरू कर दी थी। और फाइनली साल 2007 में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी, जो एक अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी थी जिससे कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिविटी वाले आइडिया से और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। एक्सक्लूसिविटी का मतलब यह है कि आपको बहुत सारे शोज, मूवीज, स्पोर्ट्स, इवेंट सब आपको सिर्फ एक ही जगह पर मिलेंगे और कहीं नहीं, जिससे आज नेटफ्लिक्स पर 22 करोड़ वर्ल्ड वाइड यूजर्स हैं और उसकी वैल्यूएशन 83 बिलियन डॉलर्स है। गाइस, गलती से बना यह प्लेटफॉर्म आज पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुका है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।